विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। शुरू होगी धनावेश, जैसे हम एक धनावेश लेते थे, एक ऋणावेश लेते थे, इस तरह के दो आवेश है, मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। क्षेत्र रेखा आपने मान लीजिए इस दिशा में खींच दी, एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में, इस तरह ही तो होती है किसी आवेश के लिए क्षेत्र रेखाएं। ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश से बाहर की तरफ, अगर ये धन आवेश है तो बाहर की तरफ होगी, ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ होगी, ये ऋण आवेश। धन आवेश से निकली हुई क्षेत्र रेखा ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगी, इस दिशा में जा रही है तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, दिशा ऐसे हो जाएगी, ये सीधी सीधी जाएगी, ये इस दिशा में जा रही है तो ये ऐसे हो जाएगी, ये आकर्षित कर रहा है ना ऋणावेश धनावेश से निकलने वाली, धनावेश से जो निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनको कौन आकर्षित कर रहा है, ऋणावेश, ये ऋणावेश से इस दिशा में जा रही है वो ऐसे हो जाएगी मुड़ के, इस ऋणावेश के कारण ये ऐसे जाएगी और इसमें कहीं से भी आएगी अंदर की तरफ होगी, इस दिशा में जा रही है वो भी ऐसे मुड़ जाएगी, इस दिशा में जा रही है वो ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसा चित्र बनाया था मैंने। कहां से शुरू हो रही है, धन आवेश से, खत्म कहां हो रही है, ऋण आवेश से, पहली बात। दूसरी बात वो धन आवेश से शुरू होगी तो खत्म कहां पे होगी, अनंत पर खत्म। यदि आवेश सिंगल है, खाली धन आवेश ही है, तो जो रेखाएं निकलेगी वो अनंत पर क्या हो जाएगी, खत्म होगी, अनंत पर खत्म होगी, क्योंकि आसपास में कोई भी किसी भी तरह का ऋण आवेश नहीं है, इस तरह का मैंने चित्र बताया था। अगर आवेश एकल आवेश है, ये कैसा आवेश होता है, ये आवेश युग में, एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं युग में, लेकिन ये तो एकल ही है। अगर ये एकल ऋण आवेश होता तो अनंत से शुरू होती तो पहला पॉइंट ये था, अनंत से शुरू कैसे होगी, अगर ये ऋण आवेश है तो ये इस तरह से होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस तरह का तीर आएगा, मतलब हमें अब ये पता नहीं है कि शुरू कहां से हो रही है, खत्म तो यहाँ पे हो रही है लेकिन शुरू कहां से हो रही है, तो अनंत से शुरू, ये शुरू तो यहाँ से हो रही है लेकिन खत्म कहां पे हो रही है ये हमें पता नहीं है, तो अनंत पे खत्म हो रही, अनंत पे खत्म होगी कहां पर, अगर जो आवेश है वो क्या है, एकल धन आवेश है, एकल ही है, सिंगल ही है। अनंत से शुरू कब होगी, जब एकल क्या हो, ऋण आवेश हो, ये पहला गुणधर्म था लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर खत्म होती है, पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका, पहला पार्ट। अनंत पर खत्म होती है कब, किसके लिए, एकल धनावेश के लिए। अनंत से शुरू किसके लिए होती है, एकल ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश है तो अनंत से शुरू हो रही, इसके अंदर की तरफ आ रही, ये पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरा पॉइंट, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को एक सतत वक्र माना जाता है। आवेश मुक्त क्षेत्र कौन सा, यहां आवेश है, यहां आवेश है, इसके बीच में जो भी क्षेत्र है वो क्या है, आवेश मुक्त है, और जहां आवेश मुक्त क्षेत्र है वहां पर ये जो रेखाएं वो सतत रूप से होगी, ऐसे नहीं कि ये यहां पे आ गई फिर बीच में छूट गई, ये आ गई, ये असतत होता है। सतत का मतलब लगातार होता है, कहीं पे भी टूटता नहीं है, तो कहीं भी टूटी क्या ये सरल रेखाएं, नहीं टूटी, ये रेखाएं नहीं टूटी, उसको कहते हैं सतत वक्र के रूप में होती है। तो दूसरा पॉइंट है, आवेश मुक्त क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को
एक सतत वक्र के रूप में माना जाता है। तो आपने जो भी डायग्राम बनाए उनमें सतत ही थी, कहीं भी असतत नहीं थी, टूटी उड़ी नहीं थी। ये होता है सतत वक्र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कैसे नहीं काटती देखते, मान लीजिए एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई। हमने मान लिया ये यहां पर काट रही है बिंदु P पर, यहां पर कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, ये पॉइंट P है। अब काटेगी तो हमें पता है किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर क्या खींचेंगे, हम इस पर रेखा खींचेंगे, तो ये किसकी दिशा बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये करा यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, अब इस बिंदु पर एक और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दूसरी रेखा पे, ये रेखा जो है वो कह रही विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दोनों जब काटेगी किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट क्या होगा, दोनों पे कॉमन। और हमें पता है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा दी जाती है, स्पर्श रेखा द्वारा। तो स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं। किसी एक ही बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। और जब दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसका मतलब दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो आपको लिखना दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। मान लीजिए आपने गलती से काट दी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो क्या होगा परिणाम, परिणाम इस तरह से होगा, रिजल्ट ये होगा कि एक ही विद्युत क्षेत्र की कितनी रेखा दिशाएं हो जाएगी, दो। किसी भी सदिश की एक ही समय पे एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं होती है, हमेशा सदिश की दिशा क्या होती है, एक होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश है और इस सदिश की ये हम क्या कितनी दिशाएं बता रहे हैं, दो दिशाएं। तो आपको लिखना है क्यों नहीं होती, क्यों नहीं काटती, कारण पूछ लेते हैं। कारण बताइए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, दो नंबर का सवाल आ गया। तो आप लिखोगे उसमें क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या खींची आपने, स्पर्श रेखा खींची, कहां खींची, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर। तो आपने कोई भी बिंदु ले लिया, कौन सा बिंदु लिया आपने, P, एक ही पॉइंट लिया ना P, एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची। अब दो रेखाएं काट रही है तो उस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं आएगी, दो। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कटेगी उतनी क्या आएगी, स्पर्श रेखाएं भी खींचनी पड़ेगी। खींची गई स्पर्श रेखा किसको, किसकी दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की परिभाषा है, किसी भी स्पर्श रेखा किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक ही बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसकी दिशा बताती है। यदि दो स्पर्श दो क्षेत्र रेखाएं काटेगी तो क्या होगा, उस बिंदु जहां काटेगी वहां पर कोई ना कोई तो पॉइंट है ना P पर, इस सदिश की कितनी दिशाएं होगी, दो दिशाएं। अगर काटेगी तो दो दिशाएं होगी और दो दिशा होना संभव नहीं है,
किसी भी सदिश की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होना संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, मतलब दो दिशाएं होना संभव नहीं है, और संभव नहीं है दो दिशा होना तो फिर काटना भी संभव नहीं होगा, काट नहीं सकती ये दोनों, ये लिखना है दूसरा पॉइंट। लिखे हुए तो रहने देना, नहीं तो लिख लेना। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षणात्मक प्रकृति। ये क्या लिखा हुआ है, रेखाएं, मतलब ये हमेशा रेखा ही होगी। अगर रेखा किसको कहते हैं, जिस बिंदु से स्टार्ट हुई है वापस उसी बिंदु पर अगर वो आ जाती है तो फिर वो रेखा नहीं होती, रेखा का गुणधर्म खो देती है, वो क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। जैसे त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, वृत्त होता है, पंचभुज होता है, ये इस तरह की आकृतियां जो होती है ये सारी क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। जिस बिंदु से जहां से स्टार्ट हुए वापस पूरा पथ कवर करके उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। और जब लूप होगा तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षण नहीं हो पाएगा। संरक्षण का मतलब है ये क्षेत्र रेखा है तो ये क्या रहेगी, रेखा ही रहेगी, लूप नहीं बनेगी, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षणात्मक प्रकृति। प्रश्न आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षणात्मक प्रकृति को समझाइए, तो आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक बंद लूप नहीं बनाती है, वो क्षेत्र रेखा है तो ये हमेशा उसका जो अस्तित्व है वो कैसा रहेगा, रेखा के रूप में ही रहेगा, और कोई भी दूसरी आकृति वो नहीं बनेगी। इसका अस्तित्व हमेशा किस रूप में रहेगा, रेखा के रूप में। रेखा कब तक रहती है, जब तक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है, कहीं भी खत्म हो सकती है, लेकिन वापस जहां से शुरू हुई है वहां पर नहीं आनी चाहिए, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षणात्मक प्रकृति। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं, खाली क्षेत्र रेखा कह सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब होता है, ये संरक्षणात्मक प्रकृति होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ये चित्र बनाया था, पहला नियम हमने देखा कौन सा है, धनावेश से शुरू होगी, ऋणावेश पे खत्म होगी, या फिर अनंत पर खत्म होगी, या फिर अनंत से शुरू होगी। दूसरा कौन सा पढ़ाया था, एक सतत वक्र होती है, सतत का मतलब इस तरह से होगी, ये सतत वक्र होता है, यहां से शुरू होगी तो ये इस तरह से। तीसरा पॉइंट, कभी भी काटती नहीं है, तो इसमें देखा आपने कोई भी काट रही है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं काट रही है, काटेगी तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, इसका मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश है उसकी कितनी दिशाएं हो गई, दो दिशाएं, जबकि हमें पता है जो ई सदिश है उसकी जो दिशा होती है वो किसी बिंदु पर हमेशा क्या होती, एक ही दिशा में होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे नहीं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ इस बिंदु पर बात करेंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, तो वो इसी दिशा में रहेगी, ऐसे नहीं इस बिंदु पर यहाँ भी ऐसे भी हो गई फिर ऐसे चली जाएगी, एक ही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की। और लास्ट पॉइंट था, कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी। आप सोच रहे हो ये बंद लूप बना रही है, बंद लूप बना रही है क्या, ये क्षेत्र रेखा, ये क्षेत्र रेखा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक में लूप बन गया क्या, नहीं बना, ये अगर वापस यहाँ पे आ जाती तो लूप बनता, यहाँ आ रही है क्या, ये तो दूसरी क्षेत्र रेखा है, ये तो यहाँ से जा रही है, आपको लूप नजर आ रहा है लेकिन इसके कारण लूप नहीं बन रहा, ये खाली क्षेत्र रेखा ही है, ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे आके खत्म, कोई भी लूप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इस रेखा के कारण कोई लूप नहीं बन रहा, तो लूप नहीं बनाएगी कभी भी, दिखने में आपको लूप जैसा लगेगा, आप कहोगे ये लूप है,
या फिर ये पूरा लूप है? ये लूप नहीं है क्योंकि इसमें एक क्षेत्र रेखा और दो क्षेत्र रेखा, कितनी क्षेत्र रेखाएं शामिल हो गई? दो। एक ही क्षेत्र रेखा की बात कर रहे हैं हम, एक ही क्षेत्र रेखा के कारण कभी भी लूप नहीं बनता। बस इसी को कहते हैं क्षेत्र रेखाओं की संरक्षणात्मक प्रकृति। अब बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स से पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई सदिश का मतलब होता है क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक क्षेत्रफल है यहाँ पे, वही सेम क्षेत्रफल है यहाँ पर, इसका एरिया मान लीजिए आपने ए है या फिर एस है, इसका भी एरिया जो क्षेत्रफल है आपने मान लिया क्या है, एस है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है इसमें, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। जब भी किसी पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो वहां क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 है, और इसमें इन रेखाओं के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो होती है इस क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या और इसमें भाग किसका दे देना है, क्षेत्रफल का, किसका, क्षेत्रफल का। एस की जगह आप एरिया ए भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये कैपिटल ए, ए का मतलब एरिया होता है। ये जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसमें किसका भाग दे दो, क्षेत्रफल का भाग दे दो। इसमें देखो चार ही क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसमें ज्यादा गुजर रही है, तो कौन सा क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी? विद्युत क्षेत्र E2 है, उसकी तीव्रता E1 सदिश से ज्यादा होगी, या फिर E1 की जो क्षेत्रता की तीव्रता है वो कम होगी E2 की बजाय, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये परिमाण आ जाएगा, इस क्षेत्र का परिमाण इस क्षेत्र से कम है, इस क्षेत्र की विद्युत तीव्रता इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्षेत्र रेखा है और इसमें कम क्षेत्र रेखाएं, जबकि क्षेत्रफल तो कितना है, सेम ही है ना। तो इसमें तो चार ही क्षेत्र रेखाएं आएगी, एक का भाग जाएगा इसमें, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात में दो एक का भाग, एक तो 7/a, इसमें E2 का मान आएगा 7/a, इसमें E1 का मान आएगा 4/a, तो बड़ा कौन हुआ, E2 ही बड़ा हुआ ना। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल सेम है, क्षेत्र रेखाएं जिस क्षेत्रफल से ज्यादा गुजरेगी वो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से अगर आपको गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या पूछे, अगर आपको ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ, आपसे पूछेंगे इस क्षेत्रफल से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, गुणा करोगे तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ज्यादा होती है? क्षेत्रफल समान है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करेगी, और जितना जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे उतनी क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी।
लिख लिया। ये सूत्र याद रखोगे, इनमें से दो चीजें कोई भी दी हुई है आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपको पूछेंगे किस पर निर्भर करती है, तो ई और ए आ रहा है, ई पर भी निर्भर करती है, ए पर भी निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा गुजरेगी, ये क्षेत्रफल कम है, अगर यही बड़ा होता तो क्या होता, दो क्षेत्र रेखाएं और गुजर सकती थी, ये जो बाहर से गुजरी यही कहां से गुजर जाती, क्षेत्रफल में से, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाती। अगर यही क्षेत्रफल कम हो जाता, इतना ही क्षेत्रफल होता, तो एक दो और तीन ही क्षेत्र रेखाएं गुजरती, इस कंडीशन में क्या होता, ए वन बड़ा हो जाता ई टू से, तो क्षेत्रफल प्रभावित करता है क्षेत्र रेखाओं की संख्या को और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, दोनों को ही प्रभावित करता है। इसके बाद एक क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कहते किसको है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के पृष्ठ के जो लंबवत है, लंबवत इस तरह से हो सकता है, ये मान लीजिए एरिया ए है, तो क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो आएगा ए सदिश, बराबर आएगा क्षेत्रफल ए और साथ में एक सदिश आएगा, सदिश कौन सा होगा, जैसे क्षेत्रफल ये है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ही आएगा इस दिशा में लंबवत बाहर की तरफ, तो यहां पे आएगा एन कैप। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है जिसकी दिशा इस क्षेत्रफल से लंबवत है, कहाँ है, लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, या इधर भी हो सकती है या फिर उस साइड में भी हो सकती है। जैसे ये घन घन हो गया, आपसे पूछेंगे इस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की तरफ लंबवत, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश पूछेंगे तो उस दिशा में, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। इस सतह का पूछेंगे ऊपर वाली का तो उसके लंबवत बाहर की तरफ इस तरफ, सामने वाली का इधर, पीछे वाली का उस साइड में, ऐसे उस साइड में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये क्षेत्रफल सदिश होते हैं। पृष्ठ पृष्ठ लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सतह भी लिख सकते हैं या क्षेत्र भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे होती है, मान लीजिए यह क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस दिशा में होगा, इधर, या तो इस दिशा में होगा या फिर इस दिशा में होगा, लंबवत बाहर भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है लंबवत, उस दिशा में भी हो सकता है लंबवत, इसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होगा, ये अगर इस तरह से रखा हुआ तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाए, ऐसे रखा हुआ तो ये हो जाएगा, लंबवत ही रहेगा हमेशा क्षेत्रफल सदिश, कैसे भी रख लो ये क्षेत्रफल सदिश लंबवत रहेगा, इसको जैसे जैसे घुमाओगे ये भी साथ में घूमता जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो इस पृष्ठ के लंबवत होती है, क्योंकि ये किस सदिश से गुणा हुआ है, लंबवत सदिश से, ये एन कैप इकाई सदिश है, इस पृष्ठ के लंबवत है, तो सभी क्षेत्र सदिशों की दिशा क्षेत्रफल के या फिर पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये सदिश की दिशा भी कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ का मतलब जानते हो सतह, सतह किसकी, जो भी आपको क्षेत्रफल पूछा उसकी सतह, ये जो पृष्ठ है इसका अगर आपको पूछेंगे क्षेत्रफल सदिश तो कहाँ होगा, या तो ऊपर की ओर लंबवत या फिर नीचे 90 डिग्री पे, तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश किसी भी क्षेत्र का।
विद्युत प्लक्स फटाया हुआ देख लो एक बार वापस, समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत क्षेत्रफल रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र से हमेशा विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं होती है। तो ये क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजरेगी, सेम क्षेत्र है इसका, आपने देख लीजिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत क्या रखा हुआ, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है, क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिख सकते हो या फिर क्षेत्र रेखाएं लिख सकते हो, कम ज्यादा हो सकती है। इनको किसमें नापते हैं, खाली इनकी संख्या ही होती है और इसकी कोई भी नाप नहीं होती। इनकी लंबाई हम नाप नहीं सकते क्योंकि ये अनंत पे खत्म होती है, अनंत से ही शुरू होती है। विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं या फिर वैद्युत फ्लक्स भी लिखा जा सकता है। विद्युत का जो फ्लक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या फिर विद्युत फ्लक्स लिख सकते हो। इस क्षेत्र से ये क्षेत्र कैसे रखा हुआ, लंबवत, इससे जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। इन रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र से क्षेत्र रेखाएं गुजार रहे हैं और ये क्षेत्र कैसे रखा हुआ, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, कौन है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा इसका, ये सदिश की दिशा किधर होगी, ऐसे। ये क्षेत्रफल ऐसे रखा हुआ है, ये क्षेत्र रेखा है, ऐसे क्षेत्र रेखाएं जा रही है और ये रखा हुआ क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब इन क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही होगा क्षेत्रफल सदिश। तो
अब ये क्षेत्र रेखा जाएगी आगे, यहाँ ये तो गुजर जाएगी इसमें से, क्षेत्रफल तीनों में सेम ही है, इसमें एकदम लंबवत था, इसमें थोड़ा सा कोण बना लिया, इसमें पूरा ही कोण बना लिया। इसमें क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, इस दिशा में आएगा। ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। इन दोनों के बीच में कोण क्या बना हुआ, थीटा। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा चेंज हो गई, फिर पूरा ही घुमा दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा, तो लंबवत कहाँ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। कितने डिग्री का कोण बना, विद्युत क्षेत्रफल वही, क्षेत्रफल वही है, नहीं बदल रहा, क्षेत्रफल सदिश बदल रहा है। मतलब क्या बदल रहा, कोण बदल रहा, थीटा किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। तो विद्युत फ्लक्स को इससे पाई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, पाई से। पहली बात अब ये विद्युत क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है वो भी लिखेंगे। देखो फाई का मतलब इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का हमने सूत्र पढ़ा था, ई गुणा ए। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगी, और कोण पर भी निर्भर करती है। तो फाई समानुपाती ई, पहली बात फाई समानुपाती होगा ए, तथा पाई का मान थीटा पर भी निर्भर करता है। और थीटा क्या है, या फिर कोस थीटा लिख सकते हो आप, जहां पर थीटा कोण होता है किस किस के बीच में, विद्युत क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश को हम क्या कहते हैं, ई सदिश। तथा दूसरा जो सदिश है वो है, हमने बनाया था क्षेत्रफल सदिश, ए सदिश के मध्य का कोण है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोण है क्या, किस किस के बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में और क्षेत्रफल सदिश ए सदिश के बीच में। तो यहां से फाई का मान हो जाएगा E, A, cos, theta। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E सदिश डॉट A सदिश। E A cos theta आता अदिश गुणनफल में, सदिश आप पढ़ोगे गणित में तो सब समझ जाओगे, इतना सा भी देख लेना। यह होता है E सदिश डॉट A सदिश। phi जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। ये हमेशा दो सदिश राशियों के गुणा से प्राप्त होती है, लेकिन वो गुणनफल कैसा है, अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल का रिजल्ट का क्या आएगा, अदिश ही आएगा। अगर हम ऐसे लिखते सदिश गुणनफल, ई सदिश क्रॉस ए सदिश, तब ये क्या होता, सदिश राशि होता, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता सदिश गुणनफल, ये अदिश राशि है। मात्रक लिखो इसका, मात्रक हमें कहां से प्राप्त होगा, सूत्र से। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मतलब होता है एफ बटा क्यू, एफ बराबर क्यू ई होता है ना, विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था एफ बराबर क्यू ई।
ई बराबर होगा एफ बटा क्यू। दूसरा ए एरिया है, एरिया का मात्रक होता वर्ग मीटर, तो एफ हो गया, एफ का क्या होगा न्यूटन बटा क्यू का मतलब कूलम, और इसका होगा वर्ग मीटर मात्रक, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता वर्ग मीटर ही तो होता है, तो ये हो जाएगा मात्रक, एफ का मतलब न्यूटन बटा कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये मात्रक हो जाएगा। ऐसे तीनों ही तरीके से लिख सकते हो। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो जाएगी, तीनों कंडीशन है। कौन हमेशा क्षेत्रफल सदिश के बीच में और विद्युत क्षेत्र के बीच में ही नापना है, ये ध्यान रखना। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। पहली कंडीशन ई सदिश समांतर हो ए सदिश के, ई सदिश का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए सदिश का मतलब, ए का मतलब एरिया, सदिश का मतलब सदिश ही होता वेक्टर होता, ए या वेक्टर कहते हैं या फिर इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश है एरिया वेक्टर, ये दोनों समांतर है, समांतर का मतलब ये तो हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, और इसी दिशा में क्या है विद्युत क्षेत्र है, कोण दोनों के बीच में कितना है जीरो डिग्री है, और जब जीरो होगा तो कोस जीरो आएगा, पाई बराबर आएगा ई ए, देखो कोस ये ई और ए तो फिक्स है, विद्युत क्षेत्र फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, एरिया किसी में बड़ा क्या नहीं बड़ा, क्षेत्रफल सेम है, विद्युत क्षेत्र सदिश तीनों में ई सदिश ई सदिश ई सदिश आ रहा है, मतलब तीनों में सेम है, बदल क्या रहा है कोस नहीं बदल रहा, कोस भी वही है, क्या बदल रहा है थीटा, खाली क्या बदल रहा है कोण बदल रहा है इसमें, इसमें तो हम क्या बदल रहे हैं खाली कोण ही बदल रहे ना, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो बढ़ेगा फिक्स है, घटाओगे तो ये घटेगा, क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो भी ज्यादा होगा फ्लक्स, कम होगी तो कम हो जाएगा, लेकिन हम न तो एरिया बढ़ा रहे हैं न ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, हम क्या करें इसको खाली घुमा रहे हैं, थोड़ा सा कोण दे रहे हैं, और उससे भी ये प्रभावित होता है, ये हो गया कोस जीरो, देखो कोस का मान अधिकतम कहां पे होता है जीरो पे, कोस जीरो का मान कितना होता है एक, और न्यूनतम होता है 90 डिग्री पे, कोस 90 बराबर जीरो, इसका मतलब यहाँ तो न्यूनतम होगी, क्यों होगी क्योंकि देखो इससे कोई विद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्रफल से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है क्या, नहीं गुजर रही है, ये क्षेत्रफल ऐसे था फिर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो कम क्षेत्र रेखाएं गुजर गई, ऐसे ही कर दिया तो कहां से गुजरेगी क्षेत्र, इस क्षेत्र से क्षेत्रफल रेखाएं गुजरेगी क्या, एकदम बारीक है ये तो, क्षेत्रफल ये ज्यादा है लेकिन इसकी मोटाई क्या है बिल्कुल नगण्य है ही नहीं, क्षेत्रफल रेखाएं यहां से गुजर जाएगी आधी ऊपर से और आधी नीचे से, जैसे ही थोड़ा सा कोण दोगे कुछ कुछ गुजरेगी इससे, और कोण दोगे और गुजरेगी ऐसे रख दोगे तो बहुत सारी गुजरेगी, ये देखो लंबवत है विद्युत क्षेत्र के लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसके साथ कितने डिग्री का कोण है जीरो डिग्री का, ये क्षेत्रफल 90 डिग्री का कोण बना रहा है लेकिन इसका सदिश कितने का कोण बना रहा है जीरो का, तो हम कोण कौन सा लेंगे,
इस क्षेत्रफल के और इनके बीच वाला कोण नहीं मानते हम, क्षेत्रफल सदिश के और इनके बीच का कोण नापते हैं। हमने लिखा ना थीटा, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, ई सदिश और ए सदिश के बीच का कोण है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आएगा अधिकतम, क्योंकि कोस जीरो का मान अधिकतम होता है, बाकी सब कोस जीरो से छोटे होते हैं। कोस थीटा का मान जीरो डिग्री में सबसे अधिक होता है एक। विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश लंबवत है, मतलब ऐसे ये विद्युत क्षेत्र सदिश और ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो विद्युत क्षेत्र सदिश के समांतर ही है, लेकिन ये जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, या पाई बाई टू भी लिखा हुआ हो सकता है। तो फाई का जो मान आएगा वो आएगा ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो फाई का मान कितना आएगा, सवाल आ सकता है विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कितना होता है, ई ए, जहां पर ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान होता है जीरो। ये दो बातें ध्यान रख, अधिकतम मान ई होता है, न्यूनतम मान जीरो होता है, शून्य होता है। और जीरो और ई के बीच में बहुत सारे मान होते हैं, जैसे जैसे थीटा बदलोगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। एक सवाल अब आपको देखते हैं, करते हो कि नहीं करते हो। ये कोई क्षेत्रफल है, ये विद्युत क्षेत्र सदिश है, इस सदिश। इनके बीच का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। एरिया ए दे दिया 20 वर्ग मीटर, या फिर आपको इसकी त्रिज्या दे दी, ये वृत्ताकार क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दी, दस न्यूटन प्रति कूलम। आपको कहेंगे फाई का मान ज्ञात करो,
तो फाई का मान क्या होता है, ई सदिश या फिर ई सदिश नोट ए सदिश लिख सकते हैं, या ई ए कोस थीटा लिख सकते हैं। तो अब आपसे मैं पूछूंगा थीटा का मान कितना है, थीटा कितना है बताओ, थीटा 30 डिग्री है क्या? थीटा का मतलब क्या होता है, ई सदिश तथा ए सदिश के मध्य कोण। ई सदिश कौन सा है, उस दिशा में जा। ए सदिश क्या होता है, इस क्षेत्रफल के लंबवत, ये तो क्षेत्रफल के समांतर है, लंबवत कहाँ होता है, तो ए सदिश की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी तो हमें कौन सा कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये होगा थीटा। ये पूरा कितना है, 90 है, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। आप सीधा प्रश्न देखते हैं, 30 डिग्री लिखा हुआ है वहां 30 डिग्री डाल देते हैं, सब सही किया हुआ है, इसकी वजह से गलत हो गया। इसलिए मैंने बार बार आपको पहले सदिश लिखाया था, क्षेत्रफल सदिश, अगर ये ऐसा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसके लंबवत। ये ऐसा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत। जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ तो ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ पृष्ठ, तो ऐसे वृत्त रखा हुआ, ऐसे जा रहा है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर ऐसे होगा वो क्षेत्रफल, ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कोण 30 डिग्री है, तो इधर वाला ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री तो होगा, तो हमें वो 60 डिग्री लेना थीटा का मान। यही गलती होती है और कोई गलती नहीं होती है। ई ए कोस थीटा हमें पता होता है, फाई बराबर ई का मान कितना है, 10। ए का मान, ए बराबर क्या होता है, वो तो त्रिज्या दी हुई है ना, वृत्ताकार ही तो है। अब यहां पर मैं ऐसे वृत्त लाके रख दूं, इस बोर्ड पे रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता। ऐसे वृत्त चिपकाना है तो मैं ऐसे चिपका दूंगा, इसी वृत्त को मेरे को कहेंगे ऐसे रखो, तो इस पे ऐसे बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकते, इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है। यस, मतलब ये वृत्त ये चारों तरफ त्रिज्या सेम है, लग रहा है ना वृत्त, ये वृत्त होता है, इसको ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये वृत्त ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा, ये कोण 30 है, तो ये कितना होगा, 60 ही तो होगा, टोटल 90 होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, 14 × 14, ये हो गया दो बार, 22 दुना हो गया 44 × 14 वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख दिया 44 × 14। और कोस थीटा, थीटा का मान 60 है, तो कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मतलब होता है साइन 30 के बराबर, और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 का भाग दे दो किसी में देना है, तो 22 बार इसमें चला जाएगा, 14 से गुणा कर दो 22 को, ये हो गया 308, और एक जीरो और लग जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या प्रति कूलम लिख सकते हो। तो ये सवाल दिया हुआ आपको, भाषा आपके सामने लिखी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भाषा ही है। ये तो आपने अपनी मर्जी से बनाए, यही कौन दिया हुआ था आपको, तो आप यही चित्र वापस बनाओगे इस तरह से।
हाँ दोस्त, इस दिशा में एन कैप होगा और इसी दिशा में क्या होगा, ए सदिश भी होगा, लंबवती के सदिश। ये कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ था, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि सदिश जो होता है क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। ये क्षेत्र ऐसे है तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा, ऐसे क्षेत्र होगा तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे होगा, तो कोण कितने का होगा। अगर यही वृत्त ऐसे रखा हुआ होता फिर ये कोण 30 डिग्री देता, तो ये तो क्या है, ए सदिश ही तो है, इसके लंबवती तो ऐसे, और ये 30 है तो फिर कोस 30 ही आता, लेकिन आपने इस वृत्त को ऐसे कर दिया, ऐसे करने से ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का। तो ये सवाल नहीं है, आप इसके भरोसे करते हो, ये तो कब होगा जब ऐसे रखा हुआ है, ये होगा क्षेत्रफल सदिश और ये होगा 30 डिग्री, तब तो 30 डिग्री यही नापा जाएगा, लेकिन हमने इसको ऐसे कर दिया है तो ये क्षेत्रफल सदिश नहीं है, अब क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, ये 30 डिग्री बना रहा तो ये अपने काम का नहीं है, अपने तो ये जो दूसरा कोण है ये काम, ये ई सदिश है, तो ई सदिश इधर है, ए सदिश इधर है, तो कोण ये किस काम का, इधर तो कोई ए सदिश है ही नहीं, ए सदिश और ई सदिश के बीच का जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, उसी का कोस निकालते हैं। ठीक है, आज इतने।